अधिकारी सोते रहे और गेहूं भीगता रहा। लाखों रुपए का गेहूं बरसात के भेंट चढ़ गया। टीन शेड के नीचे रखने के बावजूद भीगता रहा गेहूं। रेवाड़ी में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां खेल तिरपाल होने के बावजूद लाखों रुपए का गेहूं बरसात में भीग गया, जिसकी वजह से गेहूं के बैग से अंकुर फूटने लगे। बरसात की फुहार से गेहूं के सैकड़ों बैग भीग गए और भीगा हुआ गेहूं डिपो होल्डरों को सप्लाई हो रहा है। आपको बता दें, कोसली में बीते वर्ष हुई बरसात में भी इसी तरह लाखों रुपए का गेहूं बरसात में भीग चुका है, जिसकी जानकारी एडीसी को भी दी गई थी, लेकिन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वही ये गेहूं वेयर हाउस में खुले में रखा गया है। वेयर हाउस से ही भीगा हुआ गेहूं डिपो होल्डरों को वितरित हो रहा है। वहीं जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अशोक रावत ने दूरभाष पर कहा कि वह इस लापरवाही की जांच करवाएंगे। उस पे हो आप, यहाँ गार्ड हो, गार्ड का काम तो ये तो तिरपाल ढकना तो है नहीं, यहाँ ये बोरियों में से अंकुरित निकल रहे हैं। हाँ ये सर, कुछ बोरियों में से अंकुरित निकल रहे हैं।